हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके टेक्निकल पॉइंट और मैं हूं दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे सैन के बारे में। सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये सैन क्यों इसको हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, इसकी हमें नेटवर्क में यूज़ करने की आवश्यकता क्या पड़ी और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन स्टोरेज का एक हाई परफॉर्मेंस और हाई स्पीड नेटवर्क होता है, जो स्टोरेज डिवाइसेस को सर्वर से कनेक्ट करता है। सैन में स्टोरेज डिवाइसेस का एक पूल होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है एवं स्टोरेज को कनेक्टेड सर्वर से शेयर करता है। सैन स्टोरेज रिसोर्सेज को कॉमन यूजर नेटवर्क में से एक इंडिपेंडेंट हाई स्पीड रिसोर्सेज की तरह डील करता है। इसमें नेटवर्क में कनेक्टेड सभी सर्वर्स स्टोरेज पूल को ऐसे एक्सेस करते हैं जैसे ये सर्वर्स डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हों। सैन में पूल्ड स्टोरेज रिसोर्सेज एवं सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए एक सैन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। यह मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूल्ड स्टोरेज रिसोर्सेज को एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स की तरह यूज़ करता है। सैन स्टोरेज डिवाइसेस का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव्स को भी सैन में, जैसे वे सभी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कंप्यूटर्स के साथ लोकल डिस्क की तरह। इसमें इंडिविजुअल हार्ड ड्राइव्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है। एक सिंगल सर्वर नॉर्मली मल्टीपल सिस्टम्स को प्रोवाइड कर सकता है एक शेयर्ड हार्डवेयर ड्राइव, जबकि लास्ट नेटवर्क को ज़्यादा स्टोरेज की नीड होती है एक सिंगल सर्वर से। फॉर एग्जांपल, एक बड़े बिजनेस के पास सेवरल टेराबाइट्स की डेटा होती है, जिसे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल सिस्टम से एक्सेस होना होता है। एडिशनल सर्वर्स की एडिंग की जगह एक सैन को सेटअप किया जा सकता है, क्योंकि केवल हार्ड ड्राइव्स को ही ऐड किया जा सकता है ऑल कंप्यूटर सिस्टम के स्थान पर। ऐसे में सैन एक इफ़िशियंट वे प्रोवाइड करता है जिससे नेटवर्क स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी सैन यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।